हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्मार्ट गुरु मुकेश चैनल में। दोस्तों, आज कोई मैं आप लोग के लिए स्टॉक्स नहीं लेके आया, कोई टेक्निकल चार्ट यहाँ पे मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। एक दो स्टॉक के, जिन स्टॉक को मैंने 1 से 1.5 साल पहले लगभग मैंने आप लोग को चार्ट ऑफ द वीक में स्टॉक्स रेफर किया था, और टेक्निकल चार्ट के बेसिस पे हम लोग ने वहाँ पे एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग ने वो स्टॉक्स हमने एनालिसिस किया था। वो स्टॉक्स में आज आप लोग के साथ में शेयर करने वाला हूँ कि वो स्टॉक्स में आगे क्या कर सकते। सारे टारगेट हमारे हिट हो चुके और उससे भी आगे वो स्टॉक्स बहुत ही अच्छे ट्रेंड में चल रहे हैं, और वो स्टॉक्स में अभी आगे क्या करना है और क्या हमें वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना है या होल्ड करना चाहिए, तो ये मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा कि दोस्तों हमारे जो टारगेट ऑलमोस्ट हमारे पूरे हो चुके हैं, टारगेट से भी वो आगे निकल चुका है, तो अभी हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि वो वीडियो देख के आप लोग ने अच्छा प्रॉफिट गेन किया होगा, और जिन भी लोगों ने उस स्टॉक्स में खरीदारी की है हमारे वीडियो देखने के बाद में, तो आप मुझे कमेंट करके इस वीडियो के नीचे जरूर बताइएगा। और ऐसे ही टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के एनालिसिस के, चार्ट ऑफ द वीक, स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स, कुछ भी स्टॉक्स में आप लोग के साथ शेयर करता हूँ, तो ऐसे ही नहीं करता हूँ दोस्तों। उसके पास मेरी रिसर्च होती है, मेरी एनालिसिस होती है, उसके बाद आप लोग के साथ शेयर करता हूँ, तो अच्छा रिटर्न्स आप लोग को मिले वो स्टॉक्स में शेयर करता हूँ। और ये स्टॉक्स, एक स्टॉक्स मैंने आप लोग के साथ शेयर किया उसको भी कम से कम 1 साल के ऊपर हुआ है, और वो स्टॉक्स 6 गुना से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है। अभी आपको बिलीव नहीं होगा, लेकिन मैं चार्ट के ऊपर आपको बताऊंगा कि ये स्टॉक्स में कितना अच्छा अमेजिंग रिटर्न दिया है, तो आप लोग चकित रह जाओगे कि कितना अच्छा रिटर्न 1 साल 1.5 साल में हमें मिला। हमारा व्यू लॉन्ग टर्म का है, 2 से 3 साल का है, लेकिन हमें कभी कभी बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो अच्छा प्रॉफिट देके जाते हैं और कम टाइम में। तो जब भी आपकी आगे इन स्टॉक्स में क्या करना चाहिए क्या नहीं, हम लोग अभी चार्ट के ऊपर चले देखेंगे। दोस्तों, आप भी हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं कुछ चार्ट पोस्ट करता रहता हूँ, कुछ टेक्निकल एनालिसिस के लेवल भी लाइव मार्केट में देता रहता हूँ, तो वो भी आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, तो बिल्कुल फ्री है। तो चलिए, आज का हम जो स्टॉक्स डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स थे, और आगे और भी मैं इन स्टॉक के बारे में बताऊंगा, प्रीव्यू बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों एक साथ में सारे स्टॉक्स रिकवर नहीं कर सकता हूं, तो मैं ऐसे 2 से 3 स्टॉक्स के साथ में वीडियो बना के आप लोग को यहाँ पे डाल दिया करूँगा। तो चलिए हम देखते हैं आज का कौन सा जो स्टॉक्स मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे फाइंड आउट जो किया है और इसने अच्छा रिटर्न दिया अभी तक, वो स्टॉक कौन सा है। तो चलिए मैं आप लोग के यहाँ पे दिखाता हूँ। फर्स्ट स्टॉक है अपार इंडस्ट्री लिमिटेड। देखिए दोस्तों, ये स्टॉक्स मैंने लगभग लगभग आपको दिया था, मैं अपार इंडस्ट्री 18/6/2022 यानी लगभग लगभग यहाँ से 1.5 साल हो गया, और 1.5 साल में इस स्टॉक्स में 800 अपार इंडस्ट्री को मैंने यहाँ पे 920-25 के आसपास कहीं के दिया था, और इस कैंडल के हाई के ऊपर। ये स्टॉक्स मैंने क्यों बाइंग के लिए दिया था, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इसने लाइफ टाइम हाई ब्रेक किया था, और लाइफ टाइम हाई ब्रेक करने के बाद में ये स्टॉक अपने हाई को क्रॉस कर चुका और इसके ऊपर कंटिन्यू सस्टेन कर रहा था। एक मैं आपको थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ, तो ये पॉइंट जो देख रहे हैं ना, ये रेजिस्टेंस जोन है इसका, ठीक है। ये रेजिस्टेंस जोन को इसने ब्रेक किया था और इस हाई के ऊपर मैंने बताया था आपको 815 या 825 के आसपास, यही लेवल कुछ एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन इसी लेवल के आसपास मैंने आप लोग को बाइंग के लिए दिया था। और ये स्टॉक अभी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है आप मुझे बताइए, कि इस स्टॉक्स ने लगभग लगभग 6000 का हाई लगाया है अपार इंडस्ट्री ने, तो आप यहाँ से यहाँ पे अमेजिंग करो कितना अच्छा रिटर्न्स इस स्टॉक्स में देखने को मिला। लगभग लगभग इसने जो हमारा 6000 के आसपास टच किया है, यानी कि कुछ एक दो पॉइंट से रह गया है, लेकिन यहाँ से 6000 का हाई लगाया है, यानी कितना गुना ये स्टॉक्स हुआ है आपका, 5 से 6 गुना स्टॉक्स ऑलमोस्ट ये हो चुका है। इतना अच्छा अमेजिंग रिटर्न इस स्टॉक्स में देखने को मिला है, अब आगे हमें क्या कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे जो टारगेट से उससे कई गुना रिटर्न दिया है, तो ऐसे ही स्टॉक्स कभी कभी हमारे स्टॉक्स चलते हैं तो इतना अच्छा रिटर्न देते हैं, और 1 से 1.5 साल में। दोस्तों, अगर आप लोग ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो आपका कितना परसेंट रिटर्न यहाँ पे मिला, आप खुद यहाँ पे देख सकते हो।
तो यही चीजें दोस्तों मैं आप लोगों के साथ कुछ चार्ट पैटर्न के साथ कुछ रेजिस्टेंस ब्रेक होता है ब्रेकआउट होता है कुछ इम्पोर्टेंट लेवल ब्रेक करता है तो मैं कुछ न कुछ पैटर्न के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो यही मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ न कुछ चीजें सीखो समझो और उसके बाद ही इन्वेस्ट करो। तो ये देखिए आपसे काफी अच्छा रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें एक अच्छा रिटर्न या बुलिश यहाँ पे वीकली बेसिस पे देखेंगे कैंडल तो यहाँ पे थोड़ा सा एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट और एक अच्छा। तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस अगर आप होल्ड करना चाहते हो लेकिन यहाँ पे अभी होल्ड करने का एक ही रीजन है कि अगर आपने अच्छा प्रॉफिट किया तो उसका जो 50-60% का प्रॉफिट बुक कर सकते हो और यहाँ पे जो 40% क्वांटिटी आप होल्ड करके स्टॉप लॉस रख सकते हो यहाँ पे 4500 के आसपास ये स्विंग लो के नीचे और होल्ड करके और भी आप राइड कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे इतना अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो आप यहाँ से रिस्क लेना बहुत ही जरूरी नहीं है। तो यहाँ से अगर थोड़ा रिस्क ले सकते हो अपने प्रॉफिट से तो आप होल्ड करके इसका स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 4500 का लेवल रख के चल सकते हो। दूसरा जो मैंने स्टॉक्स आप लोग को दिया था वो है टीवीएस मोटर्स। टीवीएस मोटर्स में मैंने आप लोग को दिया था 2/7/2022 2 जुलाई 2022 को दिया था और ये स्टॉक 807 के ऊपर यहाँ पे बाइंग के लिए दिया था ये कैंडल के ऊपर। और ये भी देखिए दोनों स्टॉक में सेम पैटर्न बने हैं। अब अगर यहाँ पे कंपेयर करेंगे ना देखेंगे ध्यान से देखेंगे दोनों स्टॉक्स में थोड़ा सा दोनों में देखिए सेम पैटर्न बना है कप विद हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था और यहाँ पे मैंने लगभग लगभग कुछ 860 के ऊपर ये स्टॉक मैंने बाइंग के ले दिया था और यही लेवल के ऊपर बाइंग के ले दिया था। और ये स्टॉक्स में भी आप देखेंगे तो अभी करंट ये 1800 के लेवल के आसपास क्लोजिंग भाव है लेकिन इसने हाई जो लगाया 1820-25 का और अभी भी ये स्टॉक्स अपने ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। ठीक है अब इसमें भी हमारे सारे टारगेट इसमें हिट हुए और हमारे जो स्टॉक्स है यहाँ से 1.5-2 गुना यहाँ पे स्टॉक भी हुआ है। अब आगे क्या कर सकते हैं दोस्तों अगर इसमें हमें प्रॉफिट बुक करना है तो हम यहाँ पे बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों कंटिन्यू ये ट्रेंडिंग में चल रहा है और अब यहाँ पे थोड़ा सा बिकवाली हमें देखने को मिल सकता है क्योंकि इतना जो लोगों ने प्रॉफिट बनाया है वो लोग यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करेंगे तो हमें थोड़ा यहाँ पे 1-2 नेगेटिव कैंडल दिखती है तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। काफी अच्छा रिटर्न इसमें भी देखने को मिला है तो ये दोनों स्टॉक्स में बहुत ही जबरदस्त कमाल का प्रॉफिट आपको दिया रिटर्न दिया है। तो दोनों स्टॉक को आप इस चार्ट के साथ देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा। दोस्तों यही चार्ट में आप लोगों के साथ नए नए चार्ट पोस्ट करता रहता हूँ यहाँ पे शेयर करता हूँ उसके बारे में बताता हूँ क्या टारगेट होंगे क्या स्टॉप लॉस होगा तो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे ही हमारा लेवल यहाँ पे टच हुआ देखिए आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो बिल्कुल यहाँ क्योंकि इतना अच्छा रिटर्न मिलने के बाद में आप यहाँ पे देखिए जब प्रॉफिट आप बुक करोगे तो आपका होगा। आप खाली देखते रहेंगे होल्ड करेंगे और स्टॉक्स फिर धीरे धीरे आपका एंट्री लेवल के आसपास आएगी वो आपका प्रॉफिट नहीं होगा। प्रॉफिट को बुक करिए और फिर कोई अच्छा इंटरेस्टिंग चार्ट मिलता है उसमें इन्वेस्टमेंट करें और थोड़ा वीकली बेसिस पे चार्ट को रीड करें ताकि आपको इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से देखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा वीकली बेसिस का चार्ट रहेगा। ठीक है तो ये आज के दोनों मैंने चार्ट आप लोगों के साथ प्रीव्यू किया है और मुझे लगता है कि ये स्टॉक में दोनों में आप लोग ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा और जिन लोगों ने ये वीडियो देख के जो मैंने वीडियो बनाया था चार्ट ऑफ द वीक में वो वीडियो देख के जो इन स्टॉक्स में खरीदारी की होगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना प्लीज़ दोस्तों ताकि मुझे भी लगे हाँ मेरे व्यूवर्स अच्छा प्रॉफिट बना रहे। मेरा मोटो यही है दोस्तों कि आप लोग भी कुछ सीखें उसके साथ ही प्रॉफिट भी बनाएं और हम मार्केट में कंटिन्यू लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। बहुत सारे लोग आते हैं शॉर्ट टर्म में लॉस करके भाग जाते हैं और बोलते हैं मार्केट में जुआ है कुछ नहीं है तो ऐसा नहीं है दोस्तों। डिसिप्लिन के साथ और जो पेशेंट के साथ आप बने रहेंगे तो काफ़ी अच्छा रिटर्न आप लोग को ये स्टॉक देके जाते हैं और देते आए हैं। तो ये स्टॉक मैंने जब भी आप लोग के साथ शेयर किया था तो निफ्टी का जो प्राइस चल रहा था 15,200 के आसपास और आज निफ्टी चल रहा है 19,800-700 के लेवल के आसपास। तो यही चीज़ें देखिए मार्केट में पैसा बनता है लेकिन पेशेंट के साथ। तो यही चीज़ें मैं आप लोग के साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रीव्यू के ऊपर वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों आपकी कोई भी क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद थैंक यू।